हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिए, एक कलर में बहुत ही प्यारा और आसान सा बुनाई का डिज़ाइन सीखेंगे और इसे आप जेंट्स स्वेटर में ट्राई कर सकते हैं। लेडीज स्वेटर में बहुत ही प्यारा और आसान सा बुनाई का डिज़ाइन है, एक कलर में बनता है। और यहाँ पर मैंने इसके लिए थोड़ी सी थिक वूल ली है। आप चाहें तो इससे हल्की जो 4 प्लाई की वूल आती है उसमें भी इस पैटर्न को बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी थिक वूल ली है। इसमें पैटर्न काफ़ी उभरा उभरा आया है। तो चलिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इसके फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 7 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 4 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को बनाएं, 7 के मल्टीपल से फंदे डालें, 4 फंदे एक्स्ट्रा रखें और 8 सिलाई का हमारा बुनाई का डिज़ाइन है। 8 सिलाई में कंप्लीट होगा। राइट साइड से डिज़ाइन शुरू होगा और इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए 9 नंबर की नीडल ली है, क्योंकि हमारी वूल थोड़ी थिक है तो हमने 9 नंबर की नीडल ली है। अगर आप नॉर्मल वूल से बनाते हैं तो आप 10 नंबर की नीडल इसमें लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने डिज़ाइन को बनाने के लिए 7 के मल्टीपल से फंदे लिए, 4 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखे। तो यहाँ पर टोटल देखिए हमारे देखिए 14 और 4 18 फंदे हैं। आप देखिए डिज़ाइन की पहली सिलाई, एक फंदा स्टिच का बुनेंगे। अब यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, अब धागा पीछे करेंगे। देखिए, अब देखिए धागे को आगे ही रखते हुए ऐसे 2 फंदों को हम देखिए स्लिप करेंगे और 2 फंदों का इस तरह से एक कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 3 फंदे बुनेंगे। तो देखिए स्टिच के फंदे को छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक हमारा 7 फंदे का एक पैटर्न बन गया। अब फिर से हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो देखिए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को आगे रखते हुए जाली बनाएंगे और 2 फंदों को ऐसे स्लिप करते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब 3 फंदे बुनेंगे, अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई इसकी बहुत आसान है, मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी उल्टी सिलाइयाँ हमेशा ऐसे ही बनेंगी, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, अब 4 फंदे उल्टे। तो देखिए, सॉरी, 5 फंदे उल्टे। तो देखिए स्टिच के फंदे को छोड़ते हुए ये 7 फंदे का डिजाइन हम बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। तो उल्टी सिलाई आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, 2 फंदे सीधे और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं सीधी सिलाई में। देखिए रो नंबर 3rd देखिएगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपने साइड लाएंगे देखिए और 2 फंदों को ऐसे स्लिप करते हुए 2 का 1 करेंगे। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपने साइड लाएंगे, 2 फंदों को ऐसे स्लिप करते हुए 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट का एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई जैसे मैंने आपको बताई थी ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए रो नंबर 5 देखिए, एक फंदा स्टिच का बुनेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब धागे को अपने साइड लाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे और 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपने साइड लाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करते हुए 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट का एक फंदा सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी सिलाई जैसे फंदे नजर आएंगे ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए रो नंबर 7 देखिएगा,
एक फंदा सीधा बुनेंगे स्टिच का। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब धागा अपने साइड लाएंगे, देखिए दो फंदों का एक कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ हमारे सारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न हमारा बन गया। अब फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपने साइड लाएंगे, जाली बनाते हुए दो फंदों को स्लिप करेंगे और दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये लास्ट का एक फंदा सीधा बुनते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई हमारी लास्ट रो है, इसमें जैसे फंदे नजर आएंगे ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया और यही 8 सिलाइयां बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए एक रो और मैं बुनकर दिखा देती हूँ आपकी। आपको फर्स्ट रो एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, धागे को अपने ही साइड रखेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदों का एक करेंगे। अब एक, दो और तीन फंदे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को अपने ही साइड रखेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे और जाली बनाते हुए दो फंदों का एक करेंगे। तीन फंदे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट का एक फंदा सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। और जब यही देखिए 8 सिलाइयां हम रिपीट करते हैं तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा और आसान सा बुनाई का डिज़ाइन है। इसको आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। अगर मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।